लड़का ही था, अब लड़के बैठे थे, सब लड़के ही थे। एक लड़का था वो अपने मैटर से करनी वाली मोहब्बत करता था, सिंगल वाली, ठीक है, एकदम करनी वाली, मैं तुम्हारे बिन रह नहीं सकता, तुम्हारे बिन जी नहीं सकता, मैं मेरी जादू सोना बाबू सोना सब तुम ही हो, ठीक है, ज्यादा अनुभव नहीं है, ठीक है, ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जो तुम ही हो। बोलता ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो बोले कि ऐसा है कि देखो हमारे घर में लड़के वाले आए थे, मेरे को शादी करना है। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बाबू से बात करो, मैं तो पहले से तैयार हूँ, मैं तो कब से ही रेडी तैयार सही है, बोले कब से मैं तैयार हूँ, बस तुम बात कर लो बाबू से। बोले ठीक है इसी सी बस बात। वो तैयार होता जाता है बाबू से उसके बात करने। बोले अंकल जी बात ऐसी है कि मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। ऐसे ढेर सारे उसने बातें बोली। अब वो भी क्या बोले, बोले सब ठीक है, अगर नहीं बोलेंगे तो कहीं पता चलेगा लेके भागने लफड़ा ना हो जाए। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी शर्तें, मेरी शर्तें हैं कि कुछ नहीं करना है, हम आपकी अपनी लड़की की शादी उनसे कर देंगे, बस मेरी एक शर्त है कि मेरे पैर का फूल पकड़ना। बस कितनी सी बात, वो खुश होकर के नाचने लगा, झूमने लगा, बोला क्या बात है यार, इतनी इतनी पहले बोल देते तो मैं दो साल पहले शादी कर दो साल क्यों बर्बाद की यार, पहले बोल देते कुछ पकड़ना कौन सी बड़ी बात। अरे खुश होकर के गया रात भर सपने में सोचता रहा, सपने में साथ गया क्या मस्त बैंड बाजा है, गाने बज रहे हैं, खूब झूम रहा है, सपने में उठ करके नाचने लगा। अब सुबह उठा, तैयार हुआ, तैयार हुआ रो करके पहले गया, फेसियल वेसियल कराया, फेसियल कराने का तैयार हुआ, मेकअप ब्यूटी पार्लर जाते हैं, तो जाने पर तैयार हुआ, तैयार होने पर जाता है, बोलता ससुर जी हम रेडी होकर के आ गए हैं। तो अपनी बच्ची को बुलाते हैं लड़की को, तो लड़की पहले से तैयार, बोले वाह ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, लड़की पहले से तैयार, टॉली लेकर के तैयार भर करके। बोले बस साजन जी आ रहे, अब तो मैं निकला, मतलब मैं जा रही हूँ। बोले ठीक है अभी तो पहले जो चैलेंज है उसको तो पूरा करें, चैलेंज पूरा करने के बाद पहले कैसे हो सकता है, उनके सामने जो चैलेंज था उसका चैलेंज पहला क्या था, पूछ पकड़ना। इधर से तैयार ससुर जी जो थे बोले ससुर जी मैं तैयार, बड़ी फास्ट है। बोले ठीक है दामाद जी, ठीक है मैं भी छोड़ने के लिए तैयार, तो पकड़ने के लिए तैयार। बोले हाँ। तो उधर से ससुर जी जो बड़ा बैल था उसको बैल छोड़ते हैं और बैल भागते भागते आता है, और जो लड़का था, लड़का देखता है कि यार बहुत खतरनाक बैल है, पीछे बढ़ जाते हैं और सिंह लग जाते निपट जाते हैं। दोबारा जब देखता है बोलता है ससुर जी देखो कोई दिक्कत नहीं, लड़की घूम रही है, एक मौका छोड़ देखिए लफड़ा है, ठीक है उसको कमिटेड लेना था, किसी से लेना था, अगर मेरे को शादी करना तो कुछ पकड़ना पड़ेगा, लेकिन वो पहला मौका गवा चुका था, दूसरा मौके की बारी है। जब जैसे ही दूसरा बैल छोड़ा और जैसे ही वो बैल आया उसने कोशिश किया, लेकिन वो झटके से गिर गया, उसका जान रहे तो दूसरी नहीं पाएंगे, चलो कोई प्यार वाला नहीं जो भी है सोना भालू जादू सोना भालू देख लेंगे। लड़की घूर रही, बोले क्या बोल रहे थे, हम जी नहीं सकते तुम्हारे लिए। बोले कोई बात नहीं अभी लास्ट है। अब लास्ट में जैसे ही वो तैयार हो रहा, ससुर जी तैयार हो रहे, हाँ बोले देखो ऐसा है कोई मतलब नहीं है, शादी तो करना ही है, रहना तो इन्हीं के साथ है, जिंदगी में तो रह नहीं सकते, अब कसम खाए लिए हैं, अब ऐसा करते हैं कि चाहे जान जाए आर या पार कसम पकड़े, ठीक है फुल मुड़ में तैयार रेडी, और उधर ससुर जी बैल छोड़ने को तैयार, ये पूरा तैयार एकदम पूरा एक्साइटमेंट के साथ कि अब कुछ भी हो जाए चाहे भले लेकिन अब हम इसका पूछ नहीं छोड़ेंगे, पहले मेरे को लेकर के चले जाए क्योंकि मेरे को चाहिए, बात खत्म। ससुर जी बोले तैयार हो जाए तैयार, बोले छोड़िए। अब उधर से बैल आके आना चालू हुआ, अब उन्होंने देखा बैल है, अब उन्होंने हंसने लगा, बोले वाह क्या मजा आया। ससुर जी पहले छोड़ रहे थे उस पर तो मजा आ गया होगा, अब वो बैल चल रहा है धीरे धीरे, अब बैल धीरे धीरे चल रहा है, उसके बेचारे का पैर टूटा था। उधर लड़का बोला बड़ी खुश हो रहा है, लड़की भी झूमने लगी, बोले बस मेरा चले, बोले रुको पकड़ तो ले थोड़ा सा सांस। उसका अंकल जी बोलने जो ससुर जी हैं बोले कि पहले पकड़ो, अभी भागने की बात नहीं है, पहले पकड़ो जो मैंने बोला तब तो करो। अब बैल धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लड़का चाहे रो रहा है नाच रहा है झूम रहा है, ऐसे ही आया और लड़का जैसे ही था खुशी के मारे जैसे ही पूछ पकड़ने के बाद पूछ ही नहीं। समझने वाली बात है कि वो पहले भी डिसीजन ले सकता था, यही वाला यही कम्युनिकेट कर सकता था कि जान जाए चाहे कुछ भी जाए मैं पहले ही पकड़ के दिखा दूंगा, मैं शादी कर लूंगा, तो पॉसिबल था, लेकिन उसने क्या किया डिसीजन ले लिया, उस मौके को समझा, लेकिन वो क्या किया डिसीजन ले लिया, अगर पहले
पहले डिसीजन ले लिया होता, अगर कुछ पकड़ लिया होता तो उसकी जादू बाबू सोना जो भी मिट्टी हो जाता, सही बात है। लेकिन वो लेट करके डिसीजन न लेकर के अफसोस करता रहा और इस बात का विकास हम कर लिए होते तो दोस्त जैसे ही प्रदीप सर ने बहुत ही अच्छी लाइन बोली कि पकड़ लिया तो मौका और छोड़ दिया तो धोखा, और पकड़ के खेल गए तो हर बाल पे चौका, हर बाल पे चौका।